सौम्या की वापसी हुई, अब सिमर की भी वापसी हो रही है। कलर्स टीवी दे रही हैं बड़ा बुनांजा ऑफर। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। पहले रुबीना दिलैया की वापसी हुई उनके शो शक्ति में, जहां पर वो सौम्या का किरदार निभाती थी। अब सिमर की भी वापसी हो रही है। जी हाँ, ससुराल सिमर का से बहुत ही ज्यादा चर्चा में आई दीपिका कक्कड़, उनकी वापसी हो रही है एज सिमर ऑन ससुराल सिमर का पार्ट 2, कलर्स टीवी पर ही जो आने वाला है। हम आपको बता दें, ससुराल सिमर का कुछ सालों पहले एक ऐसा डेली सोप था, एक ऐसा शो था जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। वो काफी अच्छा खासा लंबा भी चला था, और दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को इसके बाद काफी ज्यादा चर्चा भी मिली थी। अब दीपिका जो है अपने फैंस से कनेक्ट तो बना कर रखती है थ्रू अ व्लॉगिंग, थ्रू अ यूट्यूब चैनल, लेकिन फिर भी फैंस देखना चाहते थे उनको उनके एक्टिंग अवतार में, और उनको ये शो करते हुए वापस से सिमर के अवतार में देखना चाहते थे। तो भाई दीपिका कक्कड़ इब्राहिम वापस आ गई है सिमर के अवतार में, और साथ ही आज उनका प्रोमो भी रिलीज हो चुका है। जी हाँ, रेड कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं सिमर बहू यानी कि दीपिका, और वो अपने फैंस को बता रही हैं कि जल्दी लौट रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। वो सारे फैंस जो उनको देखने के लिए बेकरार थे, तरस रहे थे, वो बिल्कुल टाइम से ट्यून इन कर ले कलर्स टीवी को। कलर्स टीवी पे ऐसे कई सारे शोज चलते हैं जिन्होंने कई सारी एक्ट्रेसेस को बहुत अच्छा मुकाम दिया है। दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की बात करें तो अभी तो वो अपनी मैरिड लाइफ की ब्लिस को एंजॉय कर रही थी, अपने यूट्यूब व्लॉग्स के थ्रू लोगों को एंटरटेन कर रही थी, और अभी यूट्यूब के थ्रू ही वो अपने ऑडियंसेस से कनेक्टेड रहती थी। लेकिन अब टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू भी कनेक्टेड रहने वाली हैं, तो हम इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या कहना चाहेंगे दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की कलर्स पर वापसी के बारे में, जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे साथ जुड़े भी रहिए क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं, लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे।